दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हो और यूट्यूब से लाखों रुपए कमाना चाहते हो, या आपका चैनल मोनेटाइज है या आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है, आप फ्यूचर में अपने चैनल को मोनेटाइज करना चाहते हो, तो 31 मार्च 2023 के पहले ही आपको एक काम करना है। अदरवाइज आप यूट्यूब चैनल से कभी भी पैसा नहीं कमा पाओगे और आप अपने यूट्यूब चैनल को ना ही मोनेटाइज कर पाओगे। यहां पर मैं आपको बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आपके पास में आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो 31 मार्च के पहले अगर आपने उसको लिंक नहीं कराया तो आप उसे कोई भी काम नहीं कर पाओगे, वो आपका कैंसिल हो जाएगा। और आपको पता है कि जब आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो एडसेंस अकाउंट जब बनता है तो एडसेंस अकाउंट को अप्रूव्ड कराने के लिए आपको अपना पैन कार्ड उसमें लगाना पड़ता है। जब आपका पैन कार्ड उसमें लगता है तब आपको गूगल इस तरह से एक पिन भेजता है और उस पिन को आप गूगल एडसेंस में डालते हो, तब जाकर के आपका गूगल एडसेंस वेरीफाई होता है और आप यूट्यूब से पैसे कमाते हो और वो पैसा आपके बैंक में आता है। लेकिन अगर आपने 31 मार्च 2023 के पहले अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक ही नहीं किया तो आपका वो कैंसिल हो जाएगा और फ्यूचर में कभी भी आप उस मतलब पैन कार्ड से अपने अकाउंट को वेरीफाई ही नहीं कर पाओगे। आप सोच रहे होगे कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और मैं अपने पैन कार्ड से अपने एडसेंस को अप्रूव करवा लूंगा, लेकिन अगर आपने अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक ही नहीं किया तो आपका दोनों रद्द हो जाएगा और आप उसे कोई भी काम नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करना है, अपने एडसेंस को वेरीफाई करना है, तो आपको कैसे अपने पैन कार्ड को लिंक करना है वो भी मैं बताऊंगा, और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप चेक कर सकते हो कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक है कि नहीं है। ये 31 मार्च 2023 तक ही है। भारत सरकार ने कहा है कि अगर आपने लिंक नहीं किया तो आपका वो कैंसिल हो जाएगा। और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा कि मैं आपको कैसे बताने वाला हूं कि कैसे आप लिंक कर सकते हो और लिंक करने के बाद में कैसे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए आपको मैं स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से करके बता देता हूं। तो यहां पर देखिए क्या लिखा गया है, 31 मार्च द लास्ट डेट फॉर लिंकिंग आधार कार्ड विथ पैन 31 मार्च 2023। ठीक है, तो हमें चलिए कैसे यहां पर करना है, तो हमको यहां पर लिखना है इनकम टैक्स। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, इनकम टैक्स लिखने के बाद में सबसे पहले ऊपर वाला जो वेबसाइट आएगा उसको हमको यहां पर इस तरह से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में देखिए यहां पर ऊपर में ही लिख दिया गया है कि गाइड फॉर योर द पोर्टल। यहां पर देखिए सबसे पहले ऊपर में ही आया होगा कि लिंक आधार कार्ड। ठीक है, अब हमको यहां पर सबसे पहले नीचे आना है। नीचे आने के बाद में देखिए यहां पर आपको दो ऑप्शन मिल रहा है, बहुत सारे ऑप्शन है लेकिन यहां पर दो ऑप्शन मिल रहा है कि लिंक आधार स्टेटस और लिंक आधार। तो सबसे पहले हमको लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में हमारे सामने यहां पर इस तरह से एक पेज ओपन होगा। ठीक, पेज ओपन होने के बाद में यहां पर हमको आधार कार्ड और पैन कार्ड का नंबर हमको यहां पर डालना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा गया है, लिंक आधार स्टेटस। और ये भारत सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि दोस्तों YouTube से बहुत ज्यादा पैसा आता है। ठीक है, YouTube से पैसा बहुत ज्यादा आता है। अब इतना ज्यादा आता है कि उतना कोई भी नौकरी वाले, सरकारी नौकरी वाले कोई भी नहीं कमा पाता। तो इसलिए जब पैसा ज्यादा आता है ना तो भारत सरकार को टैक्स भी देना पड़ता है भाई। अब इसमें क्या हो जाता है कि जितना पैसा आया कोई टैक्स नहीं देता है, तो इसीलिए भारत सरकार ने क्या कहा कि हम पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करवा दे रहे हैं, जितना पैसा आएगा जितना इनकम होगा वो भारत सरकार को दिखेगा। तो अगर आप टैक्स नहीं दोगे तो पकड़े जाओगे। हम लोग भी टैक्स देते हैं, सभी को यूट्यूब पर टैक्स देता है। अगर जो टैक्स नहीं देता है उसके ऊपर में पेनाल्टी लगती है। तो हमको, आप चाहे जितनी भी अर्निंग करो, यहां पर आपको वो दिखाना पड़ेगा, लीगल तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम यहां पर अपना पैन कार्ड का नंबर डाल लेते हैं और आधार कार्ड का नंबर यहां पर मैं फिल कर लेता हूं। तो दोस्तों देखिए यहां पर मैंने अपना पैन कार्ड का नंबर और आधार कार्ड का नंबर डाल दिया। और ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जब आप अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड के नंबर को आप डाल रहे होगे तो अपने पैन कार्ड का भी एक भी नंबर गलत मत कीजिएगा और अपने आधार कार्ड का भी एक भी नंबर गलत मत कीजिएगा। ध्यान से आपको यहां पर फिल करना है। ठीक है, फिल करने के बाद में यहां पर नीचे देखिए हमें क्या लिखा मिल रहा है, व्यू लिंक आधार कार्ड स्टेटस। ठीक है, तो यहां पर हम इस तरह से क्लिक करेंगे और हमारे सामने यहां पर दिखाई दे देगा कि योर पैन इज ऑलरेडी लिंक्ड टू गिवन आधार। ठीक है, हमने अपने पैन अकाउंट को अपने आधार से लिंक किया हुआ है। ठीक है, और ये तब मैं लिंक किया हुआ था जब यहां पर पैसा नहीं लग रहा था। लेकिन दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि अभी आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने के लिए पैसा लग रहा है और कैसे यहां पर आपको करना है वो भी मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं। ठीक है, अभी कोई भी फ्री नहीं है, अब आपको पैसा देना पड़ेगा। अब आपको इसको लिंक कराने के लिए पैसा देना पड़ेगा और कैसे आप ऑनलाइन लिंक कर सकते हो वो चीजें भी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। ठीक है, तो अब यहां पर मैं आपको दिखा दिया कि कैसे आप इस चीज को चेक कर सकते हो कि आपका, यहां पर देखिए ऊपर में क्या लिखा रहा है कि लिंक योर पैन विद आधार। ठीक है, ऊपर में ही देखिए क्या लिखा गया है। ठीक है, तो हम इसको यहां पर इस पे लिंक योर पैन पे क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद में अब यहां पर हमारे सामने इस तरह से प्रोसेस एक ओपन होकर के आ जाएगा कि हमको कैसे अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना है। देखिए तीन प्रोसेस में यहां पर होगा, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऊपर में दे दिया गया है, इंफॉर्मेशन यहां पर दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हो। और यहां पर हमको पैन कार्ड का, आधार कार्ड का यहां पर नंबर दे दिया गया है, ठीक है। तो हमको यहां पर क्या करना पड़ेगा, अपने पैन कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा, अपने आधार कार्ड का नंबर यहां पर डालना पड़ेगा। और डालने के बाद में यहां पर देखिए क्या लिखा गया है, फॉलोइंग कैटेगरीज आर एग्जम्प्टेड। यहां पर कुछ लोगों को छूट भी दिया गया है कि आप अगर इस कैटेगरी में आते हो तो आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड का भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों चलिए मैं आपको यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि अगर आप 18 साल से कम के हो और आप को चाहते हो कि हम अपने YouTube से पैसा कमाएं, लेकिन आप अपने मम्मी पापा का देना चाहते हो या अपने दादा दादी के देना चाहते हो, तो यहां पर आप पैसे से बच सकते हो। कैसे बच सकते हो, देखिए क्या लिखा गया है, आधार कार्ड पैन कार्ड लिंकिंग में NRI अगर होगे तो आपका यहां पर पैसा नहीं लगेगा। Not as citizen of India, अगर आप इंडिया का सिटीजन नहीं होगी तो यहां पर आपको पैसा नहीं लगेगा, यहां पर कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका एज 18 साल से कम है, 80 साल से ज्यादा है, ठीक है, तब कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। स्टेट ऑफ रेजिडेंस इन आसाम, अगर आसाम से हो, मेघालय से हो और जम्मू कश्मीर से हो तब यहां पर कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हम अपने आधार कार्ड को डालेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको बताया, तो यहां पर देखिए मैंने आधार कार्ड और पैन कार्ड का यहां पर मैंने नंबर फिल कर दिया है, इसी तरह से आपको भी फिल करना है। फिल करने के बाद में यहां पर आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है, ठीक है। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए कि मेरा दिखा रहा है कि हम अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक किए हुए। अगर आपका लिंक नहीं हुआ रहेगा तो यहां पर जैसे ही आप वैलिडेट पे क्लिक करोगे आपके सामने यहां पर आ जाएगा कि आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करो। और यहां पर आप ऑनलाइन ही पेमेंट आप कर सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, नहीं तो आप अपने नजदीकी किसी भी सेंटर में जाकर कि जहां पर आधार कार्ड और पैन कार्ड का काम होता है वहां पर आप चले जाएंगे। वहां पर जाने के बाद आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को दोगे, भैया मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक नहीं हुआ है, ठीक है, हमको अपने यूट्यूब चैनल से पैसा कमाना है नहीं तो हमारा पैन कार्ड बंद हो जाएगा, ये आपको उनसे नहीं बताना है, आपको सोच के रखना हुआ है। और उनको आप पैसा दोगे, अभी शायद 1000 रुपया लग रहा है, 1000 रुपया देकर के आप अपने पैन कार्ड को लिंक करा लीजिए, नहीं तो आप आगे आने वाले समय में 31 मार्च के बाद में आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, आप उसे कुछ भी काम नहीं कर पाओगे। नहीं किए हो तो आज ही के दिन जाओ, आज ही जाओ, कल को यहां पर टालो मत, आज ही जाओ और इस काम को जल्दी से करवा लो और अपने पैन कार्ड आधार कार्ड को भैया कंटिन्यू चालू कर लो, बचा लो, नहीं तो आपका आधार कार्ड पैन कार्ड यहां पर कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो जो है और भी अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड के साथ में शेयर करो, जिनको ये नहीं पता है कि आधार कार्ड और लिंक पैन कार्ड को लिंक कराना है और उनका लिंक नहीं हुआ है तो उनको भी बताओ ताकि वो भी जाकर के अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराएं और अपने जो आधार कार्ड है उसको भी बचाएं और पैन कार्ड को भी बचाएं, नहीं तो सब आपका यहां पर कैंसिल हो जाएगा और उससे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।